हमें सारणिक का मान निकालना है, आर वन के अकॉर्डिंग प्रसरण कर देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, रो और कॉलम छुपाएंगे, गुणा करेंगे ये माइनस जीरो यानी कि अब इसका रो और कॉलम छुपाएंगे यानी कि कॉस अल्फा साइन बीटा, रो और कॉलम छुपाएंगे तो माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा यानी रो और कॉलम माइनस जीरो, फिर माइनस साइन अल्फा, इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, मत बढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये गुणा करना है प्लस का कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा फिर से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा तो यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस इससे साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आएगा तो ये देखिए वन होता है ये भी वन होता है तो डेल्टा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन कुल मिलाकर किया कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये खुद वन होता है अर्थात डेल्टा बराबर